हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन व्लॉग। इस लास्ट 2 वीक में कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी वीक गया था। तो आज फ्राइडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ नाइट के अंदर ही, और अगर एडिट रात को हो गया तो फिर रात को अपलोड कर दूँगा। एनीवेज, बहुत सारे गाने को मैसेज केसेस कर रहे हैं तो वो केसेस यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी केसेस भी कर रहे हैं, लेकिन कैसा है कि आप सब लोग के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा गाने को मैसेज के ऊपर आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट पेशेंट के वाले वीडियो से ही डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। एनीवेज, पहला पेशेंट जो उत्तराखंड से आया था, इनका फ्रंट अपीरियंस जो ऐसा था वो बाद में गाने को मैं ऐसे सर्च के बाद में ऐसा हो गया है। साइड व्यू में अगर देखेंगे तो जो अपीरेंस ऐसा था वो बाद में ऐसा हो गया है, और अदर साइड के व्यू में अगर जो अपीरेंस पहले ऐसा था वो बाद में ऐसा हो गया है। सेकेंड पेशेंट की बात करेंगे, पेशेंट आगरा से आया था। इन सभी पेशेंट ने बोल दिया था कि हाँ, हम लोग की जगह का नाम आप बता सकते हो लेकिन नाम नहीं शेयर करना है और फेस नहीं करना है, तो वो मैं किसी में भी नहीं कर रहा हूँ। एनीवेज, सेकेंड पेशेंट आगरा से था। उस पेशेंट का फ्रंट व्यू में आप देखेंगे तो गाने को मैसेज ऐसा था तो बाद में ऐसा हो गया है। साइड व्यू के अंदर प्रोजेक्शन इतना था वो कम होकर इतना हो गया है। अदर साइड के व्यू में जो प्रोजेक्शन इतना था वो कम होकर इतना हो गया है। अभी थर्ड पेशेंट जो था वो अमृतसर से आया था, और ये तो पूरा मॉडल था भाई जो आया था। तो इनका फ्रंट व्यू के अंदर जो अपीयरेंस ऐसा था वो ऐसा था। इनको एक्चुअली ग्रेड वन का गाने को मैसेज आया था, पफी निप्पल थे। साइड व्यू का अपीयरेंस ऐसा था वो ऐसा हो गया है, और अदर साइड का अपीयरेंस जो ऐसा था वो ऐसा हो गया है। और फोर्थ पेशेंट मुंबई से आया था। मुंबई से जो पेशेंट आया था इसमें भी ग्रेड 3 का गाने को मैसेज आया था। इसके अंदर मैंने स्किन एक्सीजन भी करा है क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थी पेशेंट के अंदर, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं बीच में। तो जो फ्रंट व्यू में अपीयरेंस ऐसा था वो ऐसा हो गया है, साइड व्यू के अंदर अपीयरेंस जो ऐसा था वो बाद में ऐसा हो गया है, और अदर साइड के व्यू में जो अपीयरेंस ऐसा था वो बाद में ऐसा हो गया है। इसके अलावा एक पेशेंट और करा है, पंकज नाम से, वो भी मुंबई से है। बट पंकज, आपका मैं फोटो अभी इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे अपने फाइनल अपीयरेंस वाले फोटो नहीं भेजे हैं, और इनकम्प्लीट फोटो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता हूँ। पंकज से मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हूँ, तो पंकज जैसे मुझे फोटो भेजेंगे तो मैं उनकी परमिशन अगर वो देंगे तो मैं इसको शेयर करूँगा। एनीवेज, तो पहला पेशेंट शेयर करते हैं। पहला पेशेंट तो था वो उत्तराखंड से आया था। तो इनको गाने को मैसेज ग्रेड 3 का गाने को मैसेज, बहुत ज़्यादा सीवियर गाने को मैसेज किया था, मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट में फैट एंड ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा थे। अभी ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है कि हम लोग लाइपोसक्शन करके ग्लैंड निकाल देते हैं, लेकिन सब पेशेंट के अंदर ये होता है कि ग्लैंड्स निकालने के बाद में या फैट निकालने के बाद में अंदर खाली जगह बन जाती है। कैसे? अभी स्किन है बाहर, स्किन के अंदर फैट और ग्लैंड्स हैं और बाद में मसल्स हैं, तो अगर आपने फैट और ग्लैंड्स निकाल दिए हैं तो जगह खाली बन जाएगी, और उस खाली जगह में बहुत चांसेस होते हैं कि कुछ भी लिक्विड आके डिपॉजिट हो जाए। इस पेशेंट का पहले वाला अपीयरेंस देखिए, ये पहले फ्रंट व्यू, लेटर व्यू साइड का, ओके राइट, अदर साइड, अदर साइड, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर जब हम लोगों ने ग्लैंड्स एंड फैट निकाल दिया तो वहाँ पे खाली स्पेस बन गया, और खाली स्पेस के अंदर को हम लोगों ने ड्रेसिंग से कवर करके नेक्स्ट डे जब ड्रेसिंग पेशेंट की खुली तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक हिमेटोमा कलेक्शन जैसा बन गया था। तो हिमेटोमा कलेक्शन को हम लोगों ने उसी टाइम पे, मैंने पेशेंट को बोला, मैंने कहा इसको लेना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट का जब मैंने देखा तो बीपी बहुत ज़्यादा था उसका। ऑपरेशन के टाइम पे बीपी कुछ 200 के आसपास पहुंच रहा था, एंड प्लेटलेट काउंट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो एनीवेज हिमेटोमा बन गया, हिमेटोमा को निकाल दिया था, और निकालने के बाद मैं फिर जब कंप्रेस करके मैंने पेशेंट को बोला, मैंने कहा ड्रेसिंग अब नेक्स्ट डे पे निकालते हैं क्योंकि आज हिमेटोमा बन गया, हम लोगों ने इसको निकाल दिया है तो आज तो एटलीस्ट कंप्रेशन रहने दो। तो जब नेक्स्ट डे का ड्रेसिंग निकाला तो ये वाला पेरेंट्स है। साइड व्यू, साइड व्यू, ओके हाँ, ये साइड वाला व्यू, हाँ फ्रंट, फ्रंट, हाँ। नाम और ये बताना है कहाँ से आए हो? नहीं बताना, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हो, बता दो ना, ठीक है। तो नाम नहीं बोलूँ ना, ठीक है। तो ये पेशेंट हम लोग बस उत्तराखंड से आए हैं। अब सब लोग हमेशा पूछते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, तो लास्ट में मैंने बोला भी था कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन इस बार हुई है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पेशेंट को ये जो छोटे छोटे मार्क्स हैं ये वाले, ये बन गया बिकॉज ऑफ हेमेटोमा, बट ये टाइम के साथ चल जाएंगे, हम लोगों ने निकाल दिया है ये। और जो ये स्किन एक्सेस है, ये तो मैंने आपको बताया कि आप टाइट वाली बनियान पहनोगे 10 नंबर कम, तो डेफिनेटली टाइम के साथ में भी कहने को मैं इससे बहुत बड़ा था। तो ग्लैंड्स और फैट निकाल देते हैं तो एनवलप जो होता है स्किन का वो तो उतना ही रहता है, तो टाइम के साथ में ये पीछे एक साइड में चिपकना चालू कर देगा, राइट। अभी आप सेटिस्फेक्शन बताओ मेरे को कितना, या पहले पहले फोटो देख लेते हैं हम लोग फिर कंपेयर करना, ठीक है। हो गया फोटो कंपेरिजन, कितना परसेंट फर्क लगता है? 100% तो नहीं है, 100 नहीं है, 100 इसलिए मैं, मेरी साइज 100 नहीं है क्योंकि ये जो मार्क्स है ये जाने में टाइम लगाएगा। कोई नहीं सर, कोई, लेकिन 100 तो नहीं है। पहले जो था सर उससे तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हुआ है, ठीक है। पहले तो बहुत दिक्कत आ रही थी, चलेगा
ठीक है, ये तो चले जाएगा ना सर, ये बड़ा था इसलिए थोड़ी टाइम लेगा। हाँ, ये स्क्रीन एनवेलप हो जाएगा 100, इसलिए नहीं है क्योंकि ये अगर नहीं होता तो मैं अपनी साइड से 100 बोलता, लेकिन अभी 100 नहीं है, बट ओवरऑल ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री आया है और ठीक है, बंद कर दूँ वीडियो। ओके, तो यहाँ पर पेशेंट तो सेटिस्फाई है, अब मैं थोड़ा कम सेटिस्फाई इसलिए हूँ क्योंकि वो कलेक्शन जो बन गया था उसको निकालना पड़ गया। वो कलेक्शन जनरली हम लोग नहीं निकालते, जनरली ऐसा होता है कि जब भी आपकी चेस्ट से, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गायनेकोमास्टिया होता है तो उनकी चेस्ट में ये सब निकालने के बाद में खाली जगह बन जाती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना आपको कंप्रेशन गारमेंट पहनो। कंप्रेशन गारमेंट अगर नहीं पहनते हो तो एटलीस्ट 10 दिन तक उस चीज़ को कंप्रेस करके रखे रहो ताकि वो जो है स्किन जो है वो वहाँ पर चिपक जाती है, राइट। तो इसमें यही हुआ था कि पेशेंट का प्लेटलेट कम था और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए कलेक्शन बन गया। लेकिन बाद में फिर जब पेशेंट ने फॉलोअप के फ़ोटो भेजे तो मुझे वहाँ पे कुछ भी कलेक्शन वगैरह सब कुछ सेटल हो गया था। कुछ स्किन के अंदर जो डिस्कलेशन है वो भी ऑलमोस्ट 90% रिड्यूस हो गया। मतलब पेशेंट से मेरी अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही बात हुई है और ये इस चीज़ को ऑलमोस्ट 8-9 डेज हो गया है, तो कलेक्शन जो मार्किंग दिख रही है आपको वो भी ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो ये चीज़ भी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री हो गई। एनीवे, सेकंड पेशेंट पे मूव करते हैं। तो पेशेंट जो है वो आगरा से पेशेंट है और इनसे पूछ लेता है, मैंने आपका जगह बता दूँ, बोला हाँ बता दो। तो पेशेंट का अगर अपीयरेंस देखें आप तो इनकी जो बिल्ट है वो थोड़ी स्टॉकी बिल्ट है, मतलब थोड़ी जिसको बोलते हैं कि इनकी बोन्स वगैरह बड़ी है, इनकी शोल्डर्स वगैरह बड़े हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आप पहले अपीयरेंस देखिए इनका। ओके, साइड व्यू, ये वाला साइड व्यू, ये वाला साइड व्यू, ओके, ये वाला साइड व्यू, ये वाला साइड व्यू, One minute. अब अपीयरेंस से कैसा होता है कि इस पेशेंट के अंदर हम लोग पूरा फैट निकाल देंगे ऊपर तक भी चेस्ट का, तो वो क्या होता है कि पेशेंट के शोल्डर्स तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगेंगे लेकिन चेस्ट चिपकी लगेगी, तो पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस जो होगी वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसलिए मैंने पेशेंट से पूछा था, मैंने कहा यहाँ पे आपका इतना पार्ट हम लोग नीचे वाला ही निकालेंगे, ऊपर वाला निकालेंगे तो फिर अपीयरेंस आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगी। उसमें ठीक है सर, जैसा अच्छा लग रहा है वैसा निकालो। तो इस पेशेंट के अंदर ऑपरेशन के बाद जो था वो ये वीडियो था, देखिए। ठीक है, अब थोड़ा साइड व्यू। सब लोग पूछते हैं कि ये वाइट वाइट क्या है, तो ये वाइट वाइट जो हम लोग बैंडेज चिपकाते हैं ना उसके निशान होते हैं। ठीक है, अदर वाला साइड व्यू। हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना कितना परसेंट आपको सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने पेशेंट को कंपैरिजन वाले वीडियो भी दिखाया है। कंपैरिजन वाले वीडियो के बाद में पेशेंट का जो ओपिनियन था वो मैंने ये लिया है, देखिए आप इसमें। ओके, फोटो नहीं आ रहा है, कॉटन डाल देता हूँ। फोटो देख लिया? देख लिया। सेटिस्फेक्शन है? काफ़ी बेटर है भाई। कितने परसेंट सेटिस्फेक्शन है, फ्रेंकली बोलो। अभी सर, अभी आप बोल रहे हो कि अभी 5-10 दिन में और कम हो जाएगा, राइट, तो राइट। उससे तो फिर काफ़ी अच्छा लगा ना आपको। ठीक है, तो ये बताना कि आप कहाँ से आए हो या रहने दो। बता दें, आगरा से हैं। ठीक है, आगरा से, पर नाम नहीं बोलना है। नहीं, ठीक है, चलिए। पेशेंट आगरा से हैं, इनको सेटिस्फेक्शन मिला है, चलिए बंद कर दो। ठीक है, थैंक यू। तो इस पेशेंट के अंदर भी अच्छा हो गया है, पेशेंट इज सेटिस्फाइड। अब कंप्रेशन बांध लिया उन्होंने, कंप्रेशन के बांधने के बाद में जब वो 10 डे के बाद में इसको निकालेंगे तो डेफिनेटली वो और भी अच्छी उनकी स्किन जो होगी वो टाइट हो जाएगी और अभी जो है वो और 10-20% और पीछे रिड्यूस हो जाएगा। कभी भी हम लोग जब पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो हमको अपने पॉइंट पे भी, सर्जन पॉइंट पे भी डिसाइड करना होता है कि पेशेंट पे क्या बेस्ट लगेगा। कुछ पेशेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर देते हैं तो फिर उनको बाद में लगता है कि नहीं, एक साइड का ज़्यादा कर दिया, एक साइड का कम हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। वो टाइम के साथ में धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो जाता है, बट आपको अपने सर्जन पर ट्रस्ट करना होता है, यहीं पर पेशेंट ट्रस्ट करते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। एनीवेज, थर्ड पेशेंट था, वो पेशेंट अमृतसर से आया हुआ था और पेशेंट की फिजिक देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि इनको गायनेकोमास्टिया है या नहीं, क्योंकि उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, शोल्डर्स बहुत अच्छे बने हुए थे, बाइसेप्स बहुत अच्छी थी, एब्स बहुत अच्छे थे। इस पेशेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्या सीखा है मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज, पहले आप अपीयरेंस देख लो पेशेंट का, जब पेशेंट आया था तब। ओके, वन मिनट। साइड व्यू, ये वाला, राइट। नाउ अदर साइड व्यू, अदर साइड। अभी पेशेंट का कंसर्न ये था कि सर, जब भी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता हूँ ऐसी कुछ जिसके अंदर की शर्ट उतारना पड़ता है तो मुझे थोड़ा निप्पल जो होते हैं प्रोजेक्टेड लगते हैं, तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्टेड निप्पल के लिए और जो थोड़ा सा नीचे फैट डिपॉजिट है उसको निकलवाना है। तो पेशेंट ने मुझसे बोला कि सर, हुआ क्या था कि मैंने बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल करा, कीटो डाइट वगैरह यूज़ करा, तो ताकि ये जो मेरा चेस्ट का फैट है नीचे वाला ये गल जाए।
तो हुआ क्या कि चेस्ट का फैट तो नहीं गया लेकिन एब्डोमिनल मसल्स बन गए, मतलब सिक्स पैक्स बन गए। और वो बहुत ज़्यादा जब बोला तो मेरे को भी इंप्रेसिव लगा, मैंने कहा यार सिक्स पैक्स तो रियली बंदे के बन गए। तो एनीवेज इनका हम लोगों ने ग्लैंड एक्सीजन कराया, पेरियोलर इंसीजन लेके छोटा छोटा सा इंसीजन लिया था, ग्लैंड एक्सीजन कराया और इंसीजन लेने सॉरी नेक्स्ट डे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इनका ये वीडियो है, ओके फ्रंट व्यू लेटरल व्यू अदर साइड अदर साइड, एक बार फ्रंट करना वापस। ये जो है ना ये देखो हाथ लगाओ आप यहाँ पे हाथ लगाओ, हल्का सा कलेक्शन जैसे दिख रहा है ना, ये सोख जाएगा ये जैसे कंप्रेशन बांधेंगे ना हम लोग। जनरली लोग इसको पाँच दिन के बाद में रेस्ट निकालते हैं, बट क्योंकि आप लोग सेकंड डे पे जाते हो इसलिए मैं वन डे पे निकालता हूँ। तो पाँच दिन के बाद निकालते तो जो भी सीरोमा वगैरह होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है ओके। अभी इसके बाद कंपैरिजन के वीडियो होने के बाद भी हम लोग पेशेंट से बात करते हैं, उनका ओपिनियन उनके व्यू पूछते हैं, तो वो वाला वीडियो दिखाता हूँ ये वाला आपको। ओके सो फोटो कंपैरिजन हो गया How much satisfied you are? अभी सर बहुत ज़्यादा satisfied। ओके और ये बताना कि कहाँ से आए हो या टू स्किप दिस? प्राय तो ओके पेशेंट इज फ्रॉम अमृतसर, नाम नहीं बोलते, ठीक है ना? नाम भी सर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है पेशेंट लोगों का भी सर आप पे ट्रस्ट करके आया हूँ सर, ठीक है। दूसरा ना मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ आपसे अच्छा लगा, आपने बोला मेरे को कल कि मैंने ट्राई करा फैट रिड्यूस करने का तो फैट रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन सिक्स पैक्स बन गए, तो सिक्स पैक्स तो बहुत अच्छे हैं। तो वो मेरे को टिप देना यार सिक्स पैक्स बनाने के लिए क्या करा है आपने? सर मैं कैलोरी डेफिसिट पे ही गया था एक्चुअली, अच्छा। कोच ने बोला कि ये चले जाएगा। तो देखो पेशेंट के सिक्स पैक एकदम ऑसम है, मेरे को लगा यार रियली मतलब इंप्रेसिव, मैं हमेशा से स्ट्रगल करता सिक्स पैक्स के लिए, मेरे अभी तक नहीं बने, तो अभी मैं डेफिनेटली बनाऊंगा आपसे इंस्पायर होकर। चलो फिर अभी सर मैं ना पैरा जंपिंग के लिए भी जा रहा हूँ सर, ओके तो मैं इस तरह से एक साल से इसीलिए भी जा रहा था। ये बंद कर दूँ तो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा? कोई इशू नहीं सर, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके सर, ओके ओके। तो मैं जा रहा था पैरा जंपिंग के लिए, तो वहाँ पे क्या सर है फिजिकल बहुत ज़्यादा होता है, राइट राइट राइट, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम टी शर्ट उतारी जाती है, राइट, तो मतलब ना एम्बैरेसिंग सा फील होता है इसीलिए मैं। तो ये इस तरह से पेशेंट और पेशेंट से मैंने टिप ले लिया है कि भाई देखो मैं भी सिक्स पैक्स बनाने वाला हूँ, मैंने मतलब वीडियो बीच में रोक दिया था क्योंकि वो फिर हम लोग की पर्सनल बात डिस्कस होने लग गई थी फैमिली एंड ऑल, तो फिर मैं क्योंकि एनीवेज हम लोग ये सब तो डिस्कस नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैंने वीडियो बीच में स्किप करके उनसे बहुत बातें करी, उनसे पूछा मैंने कहा आप मुझे भी टिप दो, मुझे भी अब सिक्स पैक्स बनाने हैं, मतलब ऑल्दो मेरे ज़्यादा फैट नहीं है एब्डोमेन में बट मेरे को ऐसे सिक्स पैक्स बनाने जैसे आपने बोला है। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे डाइट लो ये करो वो करो सब डिस्कशन हुआ। एनीवेज एंड फोर्थ पेशेंट का क्या है कि पेशेंट इज़ फ्रॉम मुंबई, तो इनको भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला गाने को मैच किया था, आप देखिए इनका पिक्चर। ओके साइड व्यू ये साइड वाला था, राइट ये साइड वाला ये साइड वाला ये साइड वाला। इनकी सर्जरी मैंने कल करी है क्योंकि आज फ्राइडे है, शायद थर्सडे को उनकी सर्जरी करी है, तो सर्जरी करने के बाद में मैंने पेशेंट को पहले फोटो लेने के बाद में पेशेंट का एनालिसिस करा और मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम रहती है जिन पेशेंट को ज़्यादा गायनेकोमास्टिया होता है कि उनकी जो अंदर से फैट और ग्लैंड निकालने के बाद स्किन जो होती है वो लटक सी जाती है। अब सवाल ये है कि वो लटकी हुई स्किन क्या कभी सही नहीं होगी? तो आंसर है यस, वो सही हो जाती है, आपको सिर्फ अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना है और उसकी बात मानना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन बांध के रखो, अगर आप कंप्रेशन बांध के रखोगे तो वो स्किन धीरे 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 छोटी होकर अपने आप चेस्ट पे चिपक जाएगी, लेकिन पेशेंट के लिए वो कंप्रेशन बांधना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उनको क्या कंप्रेशन वेस्ट होती है गारमेंट होता है वो पहन लो, नाइट के टाइम पे उतार दो, बाकी टाइम पे पहने रखो तो हो जाएगी। तो मैंने इस पेशेंट को वही बोला, मैंने कहा यार एक काम करते हैं ये जो एक्स्ट्रा स्किन है ना इसको निकाल देता हूँ मैं, कैसा रहेगा? तो उसने बोला आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। तो मैंने कहा ठीक है अभी लिबर्टी मिली तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वैसा करता हूँ। तो मैंने उनका इंसिजन निप्पल की जगह निप्पल से थोड़ा सा नीचे लिया इंसिजन, अभी आपको इस पिक्चर में देखिए आप सर्जरी के बाद का फोटो उनका कैसा है। जो सामने आओ सामने, ओके ये साइड वाला व्यू, वापस ऐसे हो जाओ इधर, नहीं नहीं इस साइड में, राइट। अब फोटो दिखाते हैं फिर कंपैरिजन करके आप मुझे बताना सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने पेशेंट को एक्चुअली पेशेंट को थोड़ा हल्का सा जब मैंने यहाँ पे बैंडेज बांधी थी तो बैंडेज जो थी वो उनकी बहुत ज़्यादा चिपक गई थी यहाँ पे, जब वो निकाली तो उनको थोड़ा हल्का सा स्किन के यहाँ पर पेन हुआ पेशेंट को, क्योंकि वो स्किन से बैंडेज बहुत ज़्यादा टच होती है उसको खींचते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, तो पेशेंट को थोड़ा सा चक्कर सा आया। एनीवेज कंपैरिजन के बाद का वीडियो देखिए आप यहाँ पे। ओके कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हो गया, कितना परसेंट सेटिस्फेक्शन है? 90% हाँ। अच्छा हमने स्पेशल क्या करा है? सॉरी बोलिए, चक्कर जैसा है, एक मिनट रुकिए।
ठीक है, अभी चेयर पे आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने स्पेशल क्या करा है कि आपका जो जनरली जो ग्रेड थ्री करने को मस्या होता है, इसके अंदर चमड़ी बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ से फैट सब निकाल दिया है, तो अब यहाँ पे क्या है, स्किन और मसल्स बच गई, तो स्किन जो नीचे लटक जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने स्किन भी एक्स्ट्रा निकाली है आपकी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो टाकर लगाया है वो अपने आप गलने वाला है, तो गल के एकदम बिल्कुल ऐसी चमड़ी हो जाएगी, राइट, उसकी टेंशन मत लेना। सेम यहाँ से भी स्किन निकाली है, तो स्किन निकालने की वजह से आपकी जो पहले गाने को मैच था बहुत ज़्यादा वाला स्किन वाला प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, और ये बताना है कि आप कहाँ से हो? मुंबई से। नाम बताना है इसमें? ओके ठीक है, चलेगा। पेशेंट मुंबई से है, सेटिस्फाई है। ओके, तो कंपैरिजन के बाद में पेशेंट इज सेटिस्फाइड। पेशेंट ने मुझसे ये पूछा था कि सर जो इंसीजन आपने लिया है यहाँ पे, ये चला जाएगा ना? मैंने कहा यार ये बिल्कुल छोटा इंसीजन है, और ये इंसीजन पे मैंने सबक्यूटिकल स्टिचेस मार रहे हैं, वो भी ऐसे वाले जो खुद से गल जाते हैं, तो डेफिनेटली ये चल जाएगा 10 डेज के बाद जो आप निकालोगे, तो यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल फ्लैट जैसा मिलेगा और नोटिस भी नहीं होगा। और जो बहुत थोड़ा बहुत अभी तो दिख रहा है, बहुत थोड़ा बहुत बाद में भी होगा, तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो क्रीज होती है उस क्रीज के अंदर चल जाएगा। बट एनीवेज आपको स्किन एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्किन को भी काफ़ी पोर्शन स्किन का एक्सरसाइज करके निकाल दिया है, और ये एक एडवांटेज होता है पेशेंट के लिए। और इस पेशेंट का स्पेशल क्या था कि पेशेंट आज जब मैं वापस आ रहा था, तो पेशेंट की भी ट्रेन थी मुंबई के लिए, नाइट की ट्रेन थी उनकी। तो मैं उस चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकला 3 बजे के आसपास, तो पेशेंट मुझे भारी मिल गया। मैंने कहा ठीक चलो आपको मैं कोटा तक के लिए लिफ्ट दे देता हूँ। तो 2 घंटे में हम लोग कोटा पहुँचे, और रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया, फिर हम लोगों ने पेशेंट के पर्सपेक्टिव से भी, जनरली तो क्या होता है कि मैं अकेला आता हूँ वहाँ पे, 4-5 दिन वहाँ पे काम करा, फिर मैं अपने वीकेंड पे यहाँ पे अपने घर पे आके रिलैक्स होता हूँ। तो मैंने उनसे अपने मुझे भी टाइम मिला, पेशेंट से इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, बट क्योंकि 2 घंटे हम लोग साथ में बैठे थे, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करी। तो मैंने उनसे ये सब चीज़ें सीखा कि पेशेंट डॉक्टर के बारे में क्या सोचता है, वो डॉक्टर के बारे में क्या एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट वो डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता है, वो डिस्कस नहीं कर पाता है, उन लोगों के क्या डाउट्स होते हैं पेशेंट के। फिर उन्होंने मुझसे डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से ही पूछा कि आप डॉक्टर एज ए पेशेंट में के बारे में क्या क्या सोचते हो। फिर हम लोगों ने बहुत डिस्कशन करा, फिर हम लोगों ने अपनी फैमिली के बारे में डिस्कशन करा। फिर जब कोटा आने वाला था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप क्या करोगे? तो उसने बोला कि अब मैं बागी मूवी, आज बागी 3 रिलीज हुई है, तो मैं जाऊँगा। तो मैंने उनको एक मॉल के आगे ड्रॉप कर दिया, और फिर वो बागी 3 मूवी चले गए। तो इस तरह से केसेस थे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे केसेस करे हैं जो कि गायनेकोमास्टिया वाले नहीं है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी में बाकी केसेस होते हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, और मैं यहाँ पे भी जल्दी टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बना के वो सारे केसेस भी डालूंगा। और आप लोगों किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है, तो बेस्ट तरीका यही होगा कि आप यूट्यूब के, डेफिनेटली मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं कि बस दिल खुश रहता है पढ़ के। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको डायरेक्टली बात करनी, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हाय हेलो ये सब मत करो, काम की बात करो, तो आई थिंक अच्छा रहेगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम भी प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग है, आपको वहीं से ही वो अकाउंट सर्च करना है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो आगरा वाला पेशेंट था, तो उसने मुझे बोला कि मैं हर पेशेंट से चाहता हूँ कि एटलीस्ट 5-10 मिनट तो उनसे बैठ के एकदम वैसी वाली बात करूँ जो होती है, कि आप मुझे बताओ क्या फ़ील करते हो या कैसे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप आ गए यहाँ पे और कांटेक्ट करा, तो आप करते हो इंस्टाग्राम यूज़? उसने बोला नहीं सर, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता मैं तो आपकी वजह से डाउनलोड करा था, अब तो मुझे पासवर्ड वगैरह कुछ पता भी नहीं उसका। तो मुझे ये लगा कि यार बहुत से लोग चाहते हैं रिप्लाई, उनको रिप्लाई मिले, लेकिन रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो मैं सच में सॉरी बोलता हूँ यार, क्योंकि मेरे लिए एज ए ह्यूमन पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए कोई टीम वर्क नहीं करती है, जो भी है वो सब मैं ही करता हूँ, मैं ही अब वीडियो बनाता हूँ, इनको एडिट करके डालूंगा, फिर बाद में मुझे सर्जरीज भी करनी होती है, बाद में मुझे खुद को भी रिलैक्स करना होता है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। तो आई थिंक मैं सारे मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अगर रिप्लाई नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से मैसेज करना चाहिए, तो आपका मैसेज वापस से वो अब ऊपर आ जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत से मल्टीपल मैसेज आते हैं, किसी का मिस हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच जाता है मैसेज, लोगों को लगता है कि बंदा रूड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।